अब देखो, चाहे तुम्हारे डिवाइस का रैम कितना भी हो, या तो 2 GB, 3 GB, 4 GB या फिर 6 GB, लेकिन सभी डिवाइस पर एक प्रॉब्लम तुम लोगों को फेस करना होगा और वो है पिंग का प्रॉब्लम। भाई मुंह की बात छील ली। अब मान लो तुम लोग कोई भी एक मैच खेल रहे हो और अचानक से तुम्हारे सामने बंदे आ जाते हैं, और बंदे आने से पहले तुम्हारा जो पिंग था वो बहुत ही अच्छा खासा चल रहा, लेकिन सामने जैसे ही बंदा आता है तुम्हारा जो पिंग है वो 999 प्लस पर चला जाता है। और तभी का सिचुएशन हमें कुछ ऐसा देखने को मिलता है। अरे ओ नुबड़े, चल आ जा, 1v1 का एक मैच खेलते हैं। क्या मुझसे और 1v1 का मैच? अरे हाँ, तुम्हें ही बोल रहा हूँ, इधर तो आओ। क्यों, पहले से जो 10 मैच हार के हो वो भूल गए क्या? अरे उतने पुराने बातें मुझे याद नहीं रहते। अगर अभी हरा कर दिखाओ तब मैं मानूं, लेकिन कल ही तो तुमने 2 मैच किया और दोनों मैच तुम ही हार गए। लेकिन फिर भी छोड़ो, चलो खेलते हैं 1v1। A few moments later. अरे भाई मेरा पिंग क्यों नहीं चल रहा? यहाँ देखो 400, 500, 99 प्लस भी हो गया, अब मैं क्या करूँ? हमको नहीं पता, हमको कुछ नहीं पता। अरे भाई अब मैं कैसे हराऊं तुम्हें? ये लो, अब इसी की तो कमी थी, नेटवर्क के कारण मेरा मैच ही बैक हो गया। लेकिन एक मिनट, अगर मेरा नेटवर्क खराब होता तो फिर मेरा 2 GB का गेम इतनी जल्दी डाउनलोड कैसे हो जाता? नहीं, सारू के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, जरूर कोई ना कोई गड़बड़। क्या नुबड़े, हार गया ना तू 07 से? अब अगले बार से बोलना नहीं कि मैं 11 बार हार के हूँ। पहले अच्छे से डैमेज देना सीख, उसके बाद फिर आना मुझसे 1v1 करने। अबे साले। गाइस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं अपने गेमिंग स्किल्स के बारे में बताना चाहता हूँ। आपको तो पता है ही कि मैं कितना अच्छा गेमर हूँ, साथ ही मुझे आ गया है पैसा कमाना up to 50 lakh। जी हाँ, आपने सही सुना, पता है कैसे? तो डाउनलोड करो प्लेयर स्पॉट ऐप, यहाँ 15+ गेम्स मिलेंगे जैसे कैरम, लूडो, कॉल ब्रेक एंड फ्रूट स्लाइस etc। आप रमी गेम में सिर्फ 1 पैसा से टेबल ज्वाइन करके डेली जीत सकते। प्लेयर स्पॉट पे रमी खेलने के बहुत सारे फायदे, ये 100% सिक्योर, मेड इन इंडिया, 7 मिलियन प्लस यूजर्स है, इजी विथड्रॉल, यहाँ रोज नए ऑफर्स आते रहते हैं। तो जाओ डाउनलोड करो और मेरा रेफरल कोड प्लेस 200 यूज करो और पाओ ₹200 साइन अप बोनस। यहाँ सिर्फ फाइट, चेस और क्विज जैसे बहुत सारे गेम्स, यहाँ रेफर एंड अर्न से फ्रेंड्स को बुलाओ और उसके गेम्स खेलने पर 2% की विनिंग करो। तो इससे पहले 50 लाख कोई और जीत जाए, जाओ डाउनलोड करो प्लेयर स्पॉट ऐप और मिलते हैं रमी के टेबल पे। तो देखो ऐसा तुम्हारे साथ भी होता होगा, लेकिन अगर तुम लोग इस वीडियो को पूरा देखते हो और सभी टिप्स को फॉलो करते हो तो तुम्हारा पिंग प्रॉब्लम कई हद तक सॉल्व हो जाएगा। लेकिन हाँ, इसमें भी तुम्हें एक सावधानी रखनी हो। तो देखो तुम लोग क्या करना है, एकदम धीरे धीरे से यहाँ जो वीडियो के नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन है, इस पर क्लिक करना और इसे सफेद कर देना। कुछ तरीका है भीख मांगने का? अच्छा एटीट्यूड भाई, ये पिंग होती क्या है? गुड क्वेश्चन। अगर सिंपल भाषा में बोलो तो पिंग वो चीज है जो हमारे गेम के हर मोमेंट को फ्री फायर के सर्वर तक कनेक्ट करता है। मतलब कि मान लो अगर हमारा पिंग है वो काफी ज्यादा फास्ट है, मतलब कि मान लो हमारा पिंग 70 पर चल रहा है, तो हम लोग जैसे ही बंदे को मारेंगे तो वो इन्फॉर्मेशन सीधा चले जाएगी फ्री फायर के सर्वर तक और बस हमारा जो बंदा होगा वो मर भी जाएगा। लेकिन वही अगर हमारा पिंग जो है वो काफी ज्यादा हाई पर है, मतलब कि मान लो हमारा जो पिंग है वो 500 से भी ज्यादा, और अगर हम लोग किसी भी बंदे को मारते हैं तो उसका जो इन्फॉर्मेशन होगा वो सर्वर तक धीरे से जाए, और इसी कारण से पिंग स्लो होने के कारण हमारा जो बंदा होता है वो काफी ज्यादा लेट पर मरता है। अच्छा एटीट्यूड भाई, अब ये बताओ कि हम लोग इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करें? सो देखो इसके लिए टिप नंबर 1 है। तो देखो पिंग का स्लो होने का एक कारण तुम्हारा नेटवर्क भी होता है, और नेटवर्क को तुम लोग फास्ट कर सकते हो कुछ इन तरीकों से। जैसे कि तुम लोग सिंपली प्ले स्टोर पर जाना एंड यहाँ पर जो एप्स होता है इसके ऑटो अपडेट को बंद कर। अब जैसे ही तुम लोग ऑटो अपडेट को बंद कर देते हो इससे क्या होगा, तुम्हारा जो भी बैकग्राउंड पर अपडेट्स चलते थे वो बंद हो जाएंगे हमेशा के लिए। तो तुम्हारे जितने भी वैसे ऐप्स है जैसे कि फेसबुक, अब तुम लोग फेसबुक का यूज तभी करते हो जब तुम लोग फेसबुक को ओपन करते हो, और इसका तुम्हारे बैकग्राउंड पर कोई भी काम नहीं होता है, लेकिन क्या होता है ये बैकग्राउंड पर वर्क करता रहता है, और ऐसे जितने ऐप्स है वो भी वर्क करते रहते। तो देखो इसके लिए तुम लोग एक चीज कर सकते हो, सिंपली उस ऐप को क्लिक करके रखना, देन यहाँ पर ऐप इन्फो पर क्लिक करना, देन यहाँ पर तुम्हें क्या मिलेगा, एक फोर्स स्टॉप, या सिंपली वैसे सभी ऐप्स को फोर्स स्टॉप कर देना। तीसरा चीज ये है कि तुम्हारे मोबाइल पर एक ऐप होगा गूगल फोटोज। अब गूगल फोटोज पर होता क्या है, तुम्हारे जितने भी गैलरी पर फोटोज होते हैं वो ऑटोमेटिक अपलोड होते रहते हैं, जिससे कहीं ना कहीं तुम्हारा जो नेटवर्क है काफी ज्यादा स्लो हो जाता है। सिंपली तुम्हें गूगल फोटोज पर जाना है, देन यहाँ पर तुम्हें ऑटो अपलोड का जो सिस्टम है उसे सिंपली ऑफ कर देना है। अब इससे क्या होगा, तुम्हारे ऑटोमेटिक कोई भी फोटो अपलोड नहीं होंगे। टिप नंबर 2, देखो मुझे पता है कि तुम लोग DPI का तो यूज करते हो, लेकिन DPI से तुम्हारा मोबाइल को कोई ज्यादा नुकसान तो होता नहीं है, लेकिन शायद तुम्हें नहीं पता अगर तुम लोग DPI को यूज करते हो यानी कि ज्यादा कर लेते हो तो तुम्हारा जो मोबाइल है उसका वर्क तो काफी ज्यादा फास्ट हो जाता है, लेकिन इससे तुम्हारे नेटवर्क को कहीं ना कहीं थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि अगर तुम लोग किसी भी डिवाइस का अगर DPI को इंक्रीज करते हो तो वो डिवाइस अपने से कई गुना ज्यादा परफॉर्मेंस देने की कोशिश करता है।
अरे कहना क्या चाहते हो? मतलब कि वो डिवाइस जितना कैपेबल नहीं है उतना परफॉर्मेंस देने की कोशिश करता है और जिस कारण से तुम्हारा फ्री फायर का पिंग हाई हो जाता है। टिप नंबर 3, तुम्हें सिंपली अपने डेवलपर ऑप्शन पर जाना है। देन जैसे तुम लोग नीचे स्क्रॉल करोगे देन यहाँ पर तुम्हें एक ऑप्शन मिलेगा बैकग्राउंड प्रोसेस लिमिट। अब सिंपली क्या करना, तुम्हें इस पर क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पर तुम्हें बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। सिंपली तुम्हें क्या करना, या तो नो बैकग्राउंड प्रोसेस पर क्लिक कर देना। अगर तुम लोग इस पर क्लिक करते हो तुम्हारे बैकग्राउंड पर कोई भी ऐप वर्क नहीं करेगा, और अगर तुम लोग इस पर क्लिक करते हो तुम्हें क्या होगा, बैकग्राउंड पर बस एक ही ऐप वर्क होगा। और उसी तरह से अगर तुम्हें दो ऐप को वर्क कराना है तो यहाँ पर तुम्हें इस ऑप्शन को क्लिक करना है। एंड अब बात करते हैं इन गेम टिप्स। टिप नंबर 1, अब देखो अगर तुम लोग गेम खेल रहे एंड अचानक से क्या देखते हो तुम्हारा जो पिंग है वो हाई जा रहा है, तो फिर तुम लोग एक चीज कर सकते हो, यहाँ जो माइक वाला ऑप्शन है एंड इसके नीचे जो ये मिलता है इसको तुम लोग सिंपली दोनों को ऑफ कर सकते हो। और इतना करने से भी अगर तुम्हारा नेटवर्क अभी भी हाई चल रहा है देन सिंपली तुम्हें क्या करना है, अपने एरोप्लेन मोड को ऑन ऑफ करना है। और हाँ, ये बहुत ही ज्यादा वर्किंग है तो एक बार ट्राई जरूर करना। तो देखो मान लो तुम लोग कोई गेम खेल रहे हो, तुम्हारे साथ पिंग का प्रॉब्लम आने लगता है और तुम लोग सभी चीजों को ट्राई करते हो बट तुम्हारा पिंग प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता, तब तुम लोग समझ लेना ये एक बग है या फिर ग्लिच है। तब तुम लोगों को क्या करना होगा, गेम को रीस्टार्ट करना। तुम जैसे गेम को कट करोगे देन फिर से रीस्टार्ट करोगे तुम लोगों का रिकनेक्टिंग होगा, देन उसके बाद तुम्हारा जो नेटवर्क होगा सही चले। तो देखो अगर तुम लोग अपने डिवाइस का हीट प्रॉब्लम या फिर लैग प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हो तो कमेंट जरूर करना, उसके लिए नेक्स्ट वीडियो आएगी तो सब्सक्राइब कर लेना।